आप देख रहे हैं प्रभात खबर। बसिया ब्लॉक के युवा व्यवसायी विकास साहू की रांची में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। परिवार के लोगों ने आशंका व्यक्त की है कि जमीन विवाद में उसकी हत्या कर दी गई है। विकास की मौत की खबर की सूचना के बाद बुधवार को बसिया की सभी दुकानें बंद रही, लोगों ने सड़क जाम कर दी। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाया, पुलिस ने अनुसंधान का आश्वासन दिया। यहां बता दें कि इस हादसे में दो युवकों की मौत हुई। घर लिखवाने के बाद ही मेरा पति का जान गया, उसका टेंशन से मेरा पति को जान चला गया। उसके बाद मेरा बेटा को 3 साल के अंदर में मार दिया। वो केस हारी तब पर भी हमको घर में एक बोलेरो लेके आई थी, पूरा ग्रामीण गवाही है कि एक बोलेरो लेके आई थी और धमकी देते के साथ मेरा बेटा को मार दिया। बजरंग का साला मारा है। उसका नाम संतोष है। कौन धमकी दिया था आपको? बजरंग का साला धमकी दिया था। मैं उसका पत्नी भी हमको धमकी दी थी, हाथ से हमको इशारा की थी ऐसा ऐसा करके अपना दरवाजा से। उसका पत्नी भी हमको दी थी। उसका नाम बताओ। उसका नाम है सोनी देवी। वो भी हमको धमकी दी है, बार बार हमको धमकी देती थी। भाई पूनम बजरंग सरस्वती और मालती को भी। साला का नाम संतोष है। संतोष घर में आके धमकी दिया है, जान से मरेंगे कह के धमकी दिया था। और बोला है भैया को वहाँ पर ही बोला घटना रांची में घटी है, तो ये लोग हत्या का शक जाहिर कर रहे हैं और कई संलिप्त लोगों का नाम बता रहे हैं। लोग लिखित में देंगे, हम लोग इसको जीरो फायर करके हम लोग खुफिया थाना को भेज देंगे। बाकी ये जमीन का मामला है, इसको हम लोग अनऑफिशियली भी उससे बात वार्ता करते हैं ताकि झंझट बार बार ना हो। और जो लीगल है लीगली हम लोग भी देख रहे हैं। CO साहब भी से भी बात किए, DC साहब से भी बात किए, लेकिन मामला ये हाई कोर्ट में चले गया है। अब कोर्ट का फैसला इसका जो आता है वो होगा। और हम लोग ऑफिशियली करते हैं कि ये मामला दोबारा कहीं यहाँ स्टार्ट नहीं होगा। जो बिना कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आता है उसके पहले किसी प्रकार का यहाँ दखल कब्जा का कार्रवाई न हो, इसके लिए हम लोग सुनिश्चित करते हैं। सर इनका ये है, बाकी जो परिजन है वो भी आशंका व्यक्त करें अपनी सुरक्षा को लेकर, इसमें पुलिस कैसे? हम लोग जो निर्देशात्मक कार्रवाई करेंगे उसके बाद अनऑफिशियली कार्रवाई करेंगे कि ये घटना हमारे क्षेत्र में कभी ना घटे, उसके लिए हम लोग सुनिश्चित करेंगे। ऑफिशियली अनऑफिशियली सब हम लोग प्रयास करेंगे कि दोबारा ये इस तरह का घटना मारपीट की घटना ना घटे, इसके लिए हम लोग सुनिश्चित करेंगे। किसी प्रकार का हमारी जिम्मेवारी है, हम इसको बखूबी निभाएंगे।